नमस्कार दोस्तों, देवभूमि यात्रा में आपका स्वागत है। मैं उपेंद्र नेगी, आप देख रहे हैं गढ़वाल का फुटबॉल 2019-20 मैचेस के कुछ मुख्य अंश। और एमजीएस रावत प्रदीप नेगी इस मैच के रेफरी के रूप में आपको दिखाई देंगे। बेहद सम्मानित निर्णायक हैं और माननीय मुख्य अतिथि खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे तालियों की आवाजों के साथ स्वागत किया जा रहा है माननीय मुख्य अतिथियों का। श्री पद्मेन्द्र सिंह जी, द अंक फाउंडेशन के उत्तराखंड प्रभारी साथ सुनील रावत जी, श्री सुमन कोटना और प्रथमता गढ़वाल हीरोज के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए हमारे अतिथिगण इधर सिद्धार्थ अभियान में समय की पान के फूक और सिद्धार्थ जी फोटो में भेज दीजिए ना। और ये परिचय चलता हुआ दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए हमारे अतिथिगण और पूर्ति क्लब के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए इसी कड़ी में श्री सुमन कोटनाला जी को भी स्मृति चिन्ह दिया जाना मेरा निवेदन। मुख्य अतिथि श्रीमान सुमन कोटनाला जी को स्मृति चिन्ह हम सबकी ओर से। दोनों ही युवा टीमें हैं और दमदार फुटबॉल का मुजाहिरा किया है अब तक, तो आज भी उम्मीद करते हैं कि एक बेहतरीन रोमांचक फुटबॉल मैच यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिलहाल गेंद है गढ़वाल हीरोज के पास, अपने हाथ से गेंद को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास। ये गेंद सरकारी जरूर थी, उन्होंने थोड़ा सा वहां पे ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाए मैदान के साथ और गेंद एक बार फिर है जरूर गढ़वाल हीरोज के हाथ में, लेकिन डिफेंडर के पास गेंद है। डिफेंडर ने इत्मीनान से गेंद को डिफ्लेक्ट करवाया जरूर, लेकिन अभी भी गेंद अंदर ही है, खतरा अभी भी बरकरार है। और ये अब जाकर थोड़ा सा लंबा क्लियरेंस, गेंद सात नंबर की जर्सी पहने खिलाड़ी गढ़वाल हीरोज की, उन्होंने गेंद पकड़ाई है काजू के लिए। काजू उस निकनेम है का, जैपनीज मूल के खिलाड़ी हैं और गढ़वाल हीरोज से खेल रहे हैं और निश्चित तौर पर बढ़िया फुटबॉल, बढ़िया तालमेल है और जवाबी हमला एक किस्म से कह सकते हैं। हमला तो पहले नहीं हो पाया था लेकिन कोशिश की। और ये गेंद आई है गोलकीपर टोकस को, ज्यादा मुश्किल नहीं क्योंकि बहुत तेज तर्रार गोलकीपर है और बेहतरीन ये गोल की गाय है। मध्य रेखा के ऊपर गेंद को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं स्फूर्ति क्लब दिल्ली। नितिन चिकारा के लिए काजू उछले थे वहां पर, लेकिन इस बीच गेंद आई है स्फूर्ति क्लब के खिलाड़ी 10 नंबर की जर्सी में रजनीश है और खेल लगभग मैदान के मध्य भाग में चल रहा है। फिलहाल दोनों टीमें एक दूसरे को देख लेना चाहती है। इस बीच गेंद आई है सुमन सरकार के पास, कल खासा प्रभावित किया था, दाहिने छोर से बढ़ना जरूर चाहते थे लेकिन गेंद गई है गोल लाइन के बाहर। साथी मेहरबान बता रहे थे 51,000 और 1,00,000 के तो कम से कम विजेता रहेंगे फाइनल में पहुंचने वाली टीम में और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है मुकाबला किसी भी टीम के लिए। अमन थापा बढ़ना जरूर चाहते थे, उनको बिल्कुल मार्क किए हुए, हालांकि गेंद को लेकर एक बार फिर बढ़ना चाहते थे वहां पर। गेंद को ले लिया स्फूर्ति क्लब के खिलाड़ी, जवाबी हमले के लिए बाएं फ्लैंक से हल्का सा पास निकाला अपने साथी खिलाड़ी के लिए, लंबा थ्रू पास देने का प्रयास, गेंद अभी भी है और छोटा सा पास खिलाया लेकिन अब गेंद को ले लिया काजू ने, जापानी मूल के खिलाड़ी हैं काजू, अधिकारी के लिए गेंद को निकाला है और आम बैट जिस तरह से लगाया शायद आज कप्तानी कर रहे हैं यहाँ पर। गेंद को निकाला अमन के लिए और थापा के पास गेंद, उनसे जूझते हुए खिलाड़ी, अभी काजू के पास गेंद है, अभी भी काजू एक बार फिर गेंद बढ़ाई थी अपने साथी खिलाड़ी के लिए, अधिकारी और गेंद अब गई है टच लाइन के बाहर और काफी बढ़िया ये मैच चल रहा है। बहुत ही दोनों ही टीमों का खेल लगभग एक जैसा है और निश्चित तौर पर अभी कुछ न कुछ जानकारियां हमारे पास मिलती रहती है। आज जैसा आप बता रहे थे फॉरवर्ड कैप्टन मिनिस्टर जो कि आए थे दूसरे दिन और उन्होंने भी 21,000 रुपए की सहयोग राशि दी है। तमाम लोग जिस तरह से आर्थिक सहयोग की जरूरत पड़ती है, फंड्स की जरूरत है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को और जो दे रहे हैं उनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और सब सब लोगों से अपेक्षा भी रखते हैं कि वो इस आयोजन को सफल बनाने के लिए जो भी। काजू अच्छा घूमता हुआ प्रयास भी किया था नीरज भंडारी ने लेकिन सीधा गोलकीपर टोकस के सुरक्षित दस्तानों में और अच्छा फ्री किक था। मेहरबानी तो मानना होगा काजू का जो फ्री किक था अच्छा घूमता हुआ किक था। ये एक बार फिर गेंद को बढ़ाया थापा के लिए यहाँ पर
एक बार फिर टोकस बाहर निकले जो खतरा बनना था, लेकिन ये कहना होगा पिछले दो तीन मिनटों से यहाँ पर दबाव बनाने का प्रयास जरूर कर रही है गढ़वाल हीरोज की टीम। अब स्पोर्टिंग क्लब के खिलाड़ी के पास बहुत जल्दी गेंद को रिलीज किया भंडारी, गेंद को अधिकारी के लिए निकाला है, अधिकारी देख रहे कहां गेंद को पहुंचाना, एक बार फिर नीरज भंडारी के लिए गेंद को निकाला है। अच्छा ठीक, इस बार स्पोर्टिंग क्लब के खिलाड़ी का और खतरे के क्षेत्र से गेंद को बाहर निकाला पेनल्टी बॉक्स के अंदर से, हालांकि गेंद अभी भी स्पोर्टिंग खिलाड़ी के पास है, स्पोर्टिंग क्लब के खिलाड़ी के पास। और अब गेंद को ले लिया काजू ने, दाहिने फ्लैंक में गेंद को निकाला है सुमन सरकार के लिए, सुमन सरकार ने बैक पास किया है वहां पे लामा के लिए, प्रतीक लामा, और जिस तरह से गिराया गया था उन्हें रेफरी ने का फाउल अपने हाथ में, फाउल किक लेते हुए यहां पर गढ़वाल हीरोज की टीम के खिलाड़ी। दाहिने छोर पर गेंद को निकाला है सुमन सरकार के लिए, सुमन सरकार दो तीन डिफेंडर से घिरे हुए हैं लेकिन इस तरह के खिलाड़ी हैं, और इस बीच डिफ्लेक्ट होकर गेंद टच लाइन के बाहर, थ्रो इन होगा। काफी काफी जो है दोनों ही टीमों की जो शैली एक जैसी खेलने की, लेकिन इतना तो जरूर कह सकते हैं अभी तक जितना भी खेल हुआ है 10 से 12 मिनट का, गढ़वाल हीरोज ने थोड़ा सा दबाव में रखा है स्फूर्ति क्लब दिल्ली को, लगातार गेंद स्फूर्ति क्लब दिल्ली के हाथ में है। पिछली बार भी सेमीफाइनल में पहुंची थी गढ़वाल हीरोज, तो निश्चित तौर पर इस बार पूरे दमखम के साथ और एक बेहतरीन संयोजन के साथ टीम आई है, और फिलहाल ये एक ज्यादा ऊंचा नहीं था, दीवार को भेद नहीं पाए जो वाल बनाई गई थी, लेकिन एक बार फिर नाइजीरियन मूल के खिलाड़ी है शायद उनके पास थी गेंद, उन्होंने गेंद बढ़ाई जरूर लेकिन गेंद वहां पर रेफरी की रिसील बजी है। कुल मिलाकर 0-0 की बराबरी पर चल रहा है मुकाबला। जो भी फुटबॉल प्रेमी देर से आए उनको बता दें कि ये गढ़वाल कप का पहला सेमीफाइनल मैच आप देख रहे हैं, स्फूर्ति क्लब दिल्ली और गढ़वाल हीरोज के बीच दोनों ही टीमों ने जोर आजमाई जरूर की है, लेकिन गोल का इंतजार अभी बरकरार है। आज का दूसरा सेमीफाइनल मैच भी जो होना है उसके बारे में आप सभी को वैसे मालूम है, फुटबॉल प्रेमी जानकार है, बनबसा सुदूर पूर्व एफसी और बीजी रुड़की के बीच आज दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जाना है। पहले आपका जो खेल हुआ है कुल मिला के कह सकते हैं 60-40 अगर हम इसका रेशियो निकालें तो ये गढ़वाल हीरोज के फेवर में है, गढ़वाल हीरोज ने थोड़ा सा दबाव में रखा है, और चूंकि जब टीमें ज्यादातर समय पर डिफेंस में रहती है तो उनका जो फॉरवर्ड लाइन है उसमें भी तालमेल की कमी नजर आती है, और निश्चित तौर पर अभी गढ़वाल हीरोज का थोड़ा सा पलड़ा भारी है खेल के हिसाब से, बॉल पोजीशन के हिसाब से, और फुटबॉल दोनों टीमें लगभग एक ही शैली में खेलती हैं, छोटे छोटे पासेस पे। काजू के पास गेंद आई है, काजू अपने साथी खिलाड़ियों को तलाते थ्रू पास दिया है, वह थापा के लिए जो कल कप्तानी कर रहे थे आज आर्म बैंड जिस तरह लगाया शायद अधिकारी, आज टीम के कप्तान अधिकारी के पास गेंद है, और अधिकारी ने घूमता हुआ किक को वहां पर सुमन सरकार के लिए गेंद को पहुंचाना चाहते थे, एक बार फिर काजू के पास गेंद, अमन थापा, और यहां पर अच्छा बचा, हालांकि खतरनाक अधिकारी के पास गेंद है, राइट फुटर उनका, लेकिन सराहना करनी होगी रक्षा पंक्ति की, और अब रजनीश ने लंबा किक लगाकर जवाबी हमले के यहां पर दानिश पहुंच रहे हैं जिन्होंने हैट्रिक लगाई है इस प्रतियोगिता में, और अब गेंद को ले लिया, बेहतरीन मुकाबला, और गेंद अभी भी स्पोर्टिंग क्लब के खिलाड़ी के पास, ब्लास्ट डालेंगे यहां पर अपने साथी खिलाड़ी के लिए, अब बहुत देर से जो खतरा मंडरा रहा था जाता रहा, और हम नेस्टी गेंद गोल पोस्ट के बाहर निकली है, लेकिन बेहतरीन मुकाबला, बहुत अच्छा तेज फुटबॉल दोनों टीमें खेल रही है, और पहली बार देखा जाए तो पहली बार यहाँ पे स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली ने एक हमला किया है, और थोड़ा सा आत्मविश्वास भी जगेगा, काफी देर से फॉरवर्ड लाइन बिल्कुल उनके पास गेंद आ नहीं रही थी, ज्यादातर जो गेंद थी वो यहाँ पे स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली के हाथ में थी और डिफेंस कर रही थी टीम दिल्ली की, और इस बार उन्होंने दानिश के बारे में जैसा हमने शुरुआत में बताया था और सुनील रावत जी ने जानकारी दी है कि दानिश इंटरनेशनल प्लेयर है और ईरान में हुए एक टूर्नामेंट में कोरिया के ऊपर गोल मारा था उन्होंने, शायद अंडर 17 रहा होगा फुटबॉल टूर्नामेंट, को कुल मिला के कल हैट्रिक भी लगाई है, तो अपनी काबिलियत तो दर्शाई है, मेसी और दानिश दो ऐसे खिलाड़ी है फॉरवर्ड लाइन में सत्यम के साथ बहुत खतरनाक हो जाते हैं, लेकिन अभी तक जो खेल हुआ है उसमें ज्यादातर जो गढ़वाल हीरोज है उसका दबाव रहा है, और ज्यादातर टीम डिफेंस में ही रही है, और बढ़िया टीमें हैं दोनों ही, मजबूत टीमें हैं और बढ़िया कलात्मक फुटबॉल का मुजाहिरा करती हुई शशिधर भट्टजी को समर्पित ऑल इंडिया फुटबॉल कप का ये पहला सेमीफाइनल चल रहा है, गढ़वाल हीरोज पीले रंग में और नीले रंग में है टीम स्फूर्ति क्लब दिल्ली, निश्चित तौर पर काजू माशा के पास गेंद है, और काजू माशा बहुत अच्छा खेल रहे हैं मिडफील्ड में और बहुत बढ़िया प्ले मेकर जिसे कहते हैं, अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, बहुत जल्दी पास बढ़ाते हैं और बहुत शानदार दो उन्होंने फ्री किक भी लिए। इस बीच गेंद पर नियंत्रण है बरकरार गढ़वाल हीरोज का, तेज तर्रार फॉरवर्ड तीन डिफेंडर से घिरे हुए हैं लेकिन गेंद पर नियंत्रण है वो देखते बनता है, 11 नंबर की जर्सी पहने खिलाड़ी हैं ये, और अब गेंद अभी भी उन्हीं के पास है और देख रहे हो मौका किधर से निकले किधर से निकाले, और ये बढ़िया गेंद निकाली उन्होंने लेकिन दूसरे खिलाड़ी गेंद को ठीक तरह से ले नहीं पाए, और देखते ही बनता था, ये आत्मविश्वास दर्शाता है कि काफी उन्होंने खेला है, काफी अनुभव है, काफी अच्छी कलात्मक फुटबॉल का मुजाहरा किया, इतने आगे आने के बाद भी डिफेंडर
उनसे गेंद छीन नहीं पाए और ये जरूर था कि साथी खिलाड़ी ले नहीं पाए गेंद को टोकस गेंद को रखा है और ये टोकस का ये गोल की आया है ठीक मध्यरेखा के ऊपर गिरता हुआ और काफी चटक आज धूप है तेज स्वर्गीय सचिन धर्मन स्मृति की राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता का पहला सेमीफाइनल मैच यहाँ पर गढ़वाल हीरोज और स्पोर्टिंग क्लब के मध्य खेला जा रहा है। जो दर्शक देर से आए हैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा शून्य शून्य का स्कोर है। पहला हाफ खेला जा रहा है और दोनों टीमों ने कई बार एक दूसरे के गोल माउथ की ओर के ऊपर आक्रमण जरूर किया लेकिन परिणाम अभी भी शून्य शून्य है और मुख्य निर्णायक एस डी एस रावत प्रदीप नेगी और डीएस इस मैच के निर्णायकों के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बीच गेंद अधिकारी के पास गिरे थे जरूर कुछ देर के लेकिन एस डी एस रावत ने कहा फाउल और ये फाउल किक मिला है गढ़वाल हीरोज की टीम को और मुझे लगता है इस तरह के फाउल्स नहीं करने चाहिए खिलाड़ियों को। इससे थोड़ा सा उनकी जो कंसिस्टेंस है वो भी भंग होती है और थोड़ा सा ये फोकस भी हटता है उनका खेल से। यहाँ पर फाउल करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये बेनिफिट जो मिला है ये गढ़वाल हीरोज को मिला है और गढ़वाल हीरोज का पहले से ही इस मैच में अब तक जितना भी खेल हुआ है दबदबा है और उन्होंने पूरे दबाव में रखा है डिफेंस लाइन को। बहुत अच्छा तालमेल है फॉरवर्ड लाइन का और देख सकते हैं आप पूरी टीम गढ़वाल हीरोज की इस समय मौजूद है स्फूर्ति क्लब दिल्ली के। आप दो खिलाड़ी जरूर बताने का पर एक किक ले रहे हैं और एक उनके सामने और देखना है किस तरह से किक लिया जाता है। सारी जो दोनों ही टीमें हैं वो बिल्कुल पेनल्टी बॉक्स के ऊपर मौजूद है। ये दाहिने छोर से किक लिया गया। अच्छा ये लॉब आया है खतरा हो सकता था यहाँ पे फिनिशिंग टच नहीं दे पाई गढ़वाल हीरोज की टीम। हाँ थोड़ा गोल पोस्ट के पीछे जो है वो थोड़ा हट जाए गोल पोस्ट के पीछे न रहे आप गोल पोस्ट से थोड़ा सा दाएं बाएं और जो लाइन है उससे थोड़ा पीछे। फिलहाल गेंद को रखा जा रहा है गोल किक के लिए और चूंकि टोकस अच्छे गोल कीपर है हाइट बहुत अच्छी है उनकी और बहुत अच्छा कलेक्शन भी है उनका तो निश्चित तौर पर उन पर इतना आसान नहीं है गोल मारना। हालांकि लगातार दबाव बनाया हुआ है गढ़वाल हीरोज ने और अच्छी तैयारी के साथ गढ़वाल हीरोज उतरी है और आज के मैच में अभी तक जो कुछ भी हुआ है उसमें ज्यादातर जो बॉल पोजीशन है वो गढ़वाल हीरोज के पास ही रही है और जो भी स्ट्रेटेजी है स्फूर्ति क्लब दिल्ली की अभी तक गढ़वाल राइफल ने उसको छिन्न भिन्न करके रखा हुआ है लगातार दबाव बना के रखा हुआ है। बस इंतजार है गोल का और देखते हैं कौन सी टीम पहले गोल करती है। फिलहाल गोल परिणाम की जो घोषणा है वो तो पहले हो चुकी है इसने की ओर से स्फूर्ति क्लब दिल्ली के लिए हर गोल पर 1000 लेकिन अभी तो गोल के करीब भी नहीं पहुंची है स्फूर्ति क्लब दिल्ली की टीम और यहां पर गेंद जा रही है गोल लाइन से बाहर और यहां पर भी मुझे लगता है फाउल ही लिया है तो निश्चित तौर पर इस तरह की कार्ड से तो बिल्कुल बचना चाहिए टीमों को और मुझे लगता है फिर क्या पे लिया जाएगा। तो कुल मिला के एक और मौका बनता हुआ गढ़वाल हीरोज दिल्ली का पलड़ा भारी है और वीआईपी स्टैंड में भी तमाम आयोजन समिति से जुड़े हुए लोग आज के मैच के ऑनरेबल चीफ गेस्ट और तमाम लोग जिन्होंने इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए दिन रात एक किया हुआ है गोपाल जसोला महेश सुप्रीति कृष्ण मोहन सती तमाम जो अध्यापक है जिनकी आज पर छुट्टियां भी है और पूरा सहयोग दे रहे हैं तमाम लोग यहाँ पे साफ सफाई में भी बहुत बड़ा बहुत सारी टीम है बहुत बड़ी टीम है। पवन भाई का नाम हम ले नहीं पाए बहुत दिन से वो बहुत अच्छा योगदान रहता है उनका टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए स्टेडियम के रखरखाव में। फिलहाल हमला बनाती हुई टीम गढ़वाल हीरोज निकल सकते हैं तो गोल भी हो सकता है। बहुत तेज तर्रार फुटबॉल का मुजाहरा करती है गढ़वाल हीरोज की टीम। अब वहां पे डिफेंस लाइन चौकन्नी है तो थोड़ा सा रणनीति बदली है और ये डिफ्लेक्ट हो गई है गेंद किक लेना जरूर चाहते थे खिलाड़ी 10 नंबर की जर्सी पहने और बिल्कुल जैसे नंबर उनको दिया गया है उसी तरह से खेल रहे और रेफरी ने कहा क्या कर रहे हो और हटकाए भी साथ में कार्ड दिखा दिया है तो फिर जरूर गढ़वाल हीरोज के फेवर में है और बीच में हो सकता है यहाँ पर स्पोर्ट के क्लब लेकिन सयाक बहुत चलाते हैं बाहर निकले बहुत तेजी के साथ काजू के पास गेंद है काजू ने गेंद सरकाई है गौरव रावत के लिए गौरव ने गेंद को सरका दिया है वहां पर सुमन सरकार के लिए सुमन सरकार के पास गेंद है कहाँ गेंद को पहुंचाना है काजू के लिए गेंद को निकाला उन्होंने एक बार फिर काजू ने गेंद निकाल दिया रावत के लिए गौरव रावत कमजोर किक और अच्छी पोजीशन पर थे अनुज देवरानी जो कि शारीरिक शिक्षक हैं इंटर कॉलेज कुमालडी में और जाने माने खेल प्रेमी बेहतरीन खिलाड़ी रहे अपनी युवावस्था में बतौर शारीरिक शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे कुमालडी में। जो भी टीम गोल करेगी ₹500 उस खिलाड़ी को प्रदान किए जाएंगे और करेंगे और इस बीच यहाँ पर और ये अच्छा मौका था स्पोर्ट क्लब के लिए अच्छा ये प्रोविंदा जरूर हेडर का प्रयास किया था लेकिन मुस्तैद की रक्षा पंक्ति वहां पर और गेंद को क्लियर किया
अच्छा डिफेंस, अच्छी गोलकीपिंग, अच्छे आक्रमण और एक अजब कमी कहीं नजर आई है तो गोल कोई टीम स्कोर नहीं कर पाई और यही कारण है कि स्कोर अभी भी शून्य शून्य की बराबरी पर है। और हरीश वर्मा जी किचन कैटरिंग का काम देखते हैं, उनकी सेवाओं की जरूरत है यहाँ पे कम्युनिटी बॉक्स में। फिलहाल ये बहुत अच्छा लोभ आया है, खतरा हो सकता है अभी भी, लेकिन ये बाइसिकल किक लगाना चाह रहे खिलाड़ी और काजू माशा ने गेंद को आगे बढ़ाया। काजू माशा के इस पास पर गेंद आई है, 10 नंबर की जर्सी पहने खिलाड़ी के पास, काउंटर अटैक करते क्रिकेट वाली रोज की टीम और वहां पर डिफेंडर मौजूद है, पूरी टीम ही डिफेंस कर रही है आज दिल्ली स्फूर्ति क्लब की। और आसान मौके, एक आसान मौका था इससे पहले क्रिकेट वाली रोज के पास, खिलाड़ी के पास समय भी था किक लेने के लिए लेकिन गेंद ठीक से ले नहीं पाया और ये गोल जो था होते होते रह गया। फिलहाल शून्य शून्य की बराबरी पर ही चल रहा है मुकाबला और बढ़िया फुटबॉल, अब थोड़ी सी हवा भी चल रही है, दर्शक आज बहुत खुश है, मूंगफली से ही काम चल जाएगा इसलिए बहुत खुश है। फिलहाल काजू माशा के पास गेंद है और काजू माशा जो नाम है, अगर इन्हें गढ़वाली का सॉन्ग समझाएंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, इनके बेडूपा का बारामाशा, काजू माशा बारामाशा एकदम समझ में आ जाएगा। गढ़वाली हीरोज बहुत जल्दी थ्रो इन लिया है, बहुत जल्दी है, बहुत खूबसूरती के साथ पोजीशन चेंज करते हैं, क्रॉस डाला है यहाँ पर मुस्तैद रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी स्फूर्ति क्लब के, गेंद को बाहर निकाला खतरे के क्षेत्र से, एक बार फिर थ्रो इन इन फेवर ऑफ गढ़वाली हीरोज। लगातार दबाव बनाया जरूर है गढ़वाली हीरोज ने लेकिन गोल अभी तक किया नहीं है और कई बार ऐसा भी हुआ है मैचों में, होता है अक्सर फुटबॉल मैच में कि अगर लगातार प्रयास करने के बाद भी गोल नहीं हो पा रहा है तो कहीं ऐसा ना हो कि स्फूर्ति क्लब दिल्ली को मौका मिले और वो गोल करते, ऐसा भी होता है फुटबॉल में और पोजीशन ज्यादा मायने नहीं रखती, स्कोर मायने रखता है और फुटबॉल का जो गेम है वो गोल पर ही डिपेंड है, बिना गोल के कम से कम फाइनल में पहुंचना आसान नहीं है। और फिलहाल टोकस ने गेंद को अपने नियंत्रण में लिया है और आज डिफेंस में ही पूरी जान लगाई है स्फूर्ति क्लब दिल्ली ने और गोलकीपर बहुत अच्छे हैं उनके और मुझे तो ऐसा लगता है पूरे टूर्नामेंट में इतने हमले नहीं हुए होंगे उनके ऊपर जितने आज हो चुके हैं। इस पहले हाफ में ये ऊंचा गोल किक आया है मध्य रेखा को पार करता हुआ, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है दोनों ही टीमों के, देखते हैं गेंद को साइडलाइन जाने से रोक नहीं पाए खिलाड़ी स्फूर्ति क्लब दिल्ली के, थ्रो इन मिला है यहाँ पे गढ़वाल हीरोज को, गढ़वाल कप का पहला सेमीफाइनल, अभी तक गोल की तलाश में तमाम खिलाड़ी कोच और दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं, अच्छा सा गोल देखने को मिले और फिलहाल अभी वो गोल हुआ नहीं है, उसके लिए जरूर घोषणा हो गई है ₹500 देवरानी जी के द्वारा जो सारे शिक्षक हैं जैसा सुरती बता रहे थे और शिक्षक बहुत आए हैं यहाँ पे लेकिन घोषणा देवरानी जी ने की है, सुरती सैलरी टाइम पे नहीं आती आपकी क्या, बाकी शिक्षकों की तरफ से घोषणा हो नहीं रही है। और ये मौका हो सकता है यहाँ पे एक बार फिर, लेकिन वहां पर डिफेंडर है, उन्होंने गेंद को अपने नियंत्रण में लिया, लगातार दबाव बनाया हुआ है गढ़वाल हीरोज ने और कई बार होता था कि बादल तो रहते 5-6 घंटे तक लेकिन होती नहीं है बारिश जैसे उस फिल्म में होता, लगान। और फिलहाल मैच अच्छा चल रहा है, मौसम भी खुशगवार है, दर्शक खुश है, चारों तरफ मैदान के दर्शक मौजूद हैं और आज के मैच के ऑनरेबल चीफ गेस्ट टेगो भाई मैच का लुत्फ लेते हुए साथ में आयोजन समिति के सदस्य और हमेशा की तरह अपने दिलकश अंदाज में सुमन कोटनाला जी, और हम ज्यादातर उनका पॉलिटिकल प्रोफाइल नहीं बताते क्योंकि वो फुटबॉल के इतने बड़े प्रशंसक हैं आयोजन समिति से जुड़े हुए, तो सुमन कोटनाला जी ही कह देते हैं, उन्हें अंदाज बहुत अच्छा है, अंदाज बहुत अच्छा है सुमन कोटनाला जी आपका, मिर्जा गालिब के बाद जो सबसे अच्छा अंदाज है आप ही का है नजर आ रहा है आजकल। फिलहाल अब स्फूर्ति क्लब दिल्ली के खिलाड़ी गेंद को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन वहां पर खिलाड़ी गिरे हैं, ज्यादा एडवांटेज नहीं मिलेगा क्योंकि गेंद छिन चुकी थी उनसे तब तक। और फिलहाल अब गढ़वाली हीरोज के खिलाड़ी 10 नंबर की जर्सी पहने खिलाड़ी लेकिन गेंद को डिफेंस लाइन ने क्लियर किया है और संजय चौधरी यही चाह रहे होंगे कि अगर ये शून्य शून्य की बराबरी पर भी पहला हाफ निकल जाता है तो जरूर बदली हुई रणनीति के साथ दूसरे हाफ में उतर सकते हैं और उनकी निगाहें होंगी अपनी टीम के खिलाड़ियों पर। फिलहाल अच्छा खेल रही है गढ़वाल हीरोज अच्छे तालमेल के साथ, नाम के अनुरूप ख्याति के अनुरूप कमी है तो सिर्फ गोल नहीं हुआ है जो उसकी बाकी गोल मिलाकर फुटबॉल टोटल फुटबॉल बिल्कुल इंटरचेंज पोजीशन में खिलाड़ी खेलते हुए और अच्छा नियंत्रण बना के रखते हैं लास्ट समय तक। अब थ्रो इन मिलेगा यहाँ पे स्फूर्ति क्लब दिल्ली को अपने यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स के ठीक सामने से मध्य रेखा पर थ्रो इन ले रहे हैं खिलाड़ी और ये खिलाड़ी इंजर्ड है यहाँ पे, सुरदीप कौन है आप तो। और पहले आपका लगभग आखिरी समय चल रहा है, किसी भी टीम ने गोल नहीं किया है, शून्य शून्य की बराबरी पर चल रहा है इस मुकाबले में, काफी तादाद में कोटद्वार के फुटबॉल प्रेमी आए हैं, कोटद्वार के बाहर से भी बहुत सारे फुटबॉल प्रेमी आए हैं और निश्चित तौर पर अगली बार से आप जो बाहर से हमारे फुटबॉल प्रेमी आते हैं अपना आईडी जरूर लेकर आए क्योंकि हम लोग अगली बार से टिकट रखेंगे आपके लिए नहीं रखेंगे जो आप दूर से आते हो। और निश्चित तौर पर बढ़िया मुकाबला चलता है सेमीफाइनल और तमाम लोग मैच का आनंद लेते हुए और नगीना से भी बहुत सारे फुटबॉल प्रेमी आए हैं और निश्चित तौर पर नगीना वालों यहाँ तो इतने नगीने हैं, आपके पास एक ही नगीना है, हमारे पास देखो गढ़वाल राइफल में 11 नगीने हैं और इनके पास भी 11 नगीने हैं स्फूर्ति क्लब दिल्ली के पास, तो यहाँ ज्यादा नगीने हैं और आप इनको देखने आए तो आपका भी हम क्या कहते हैं इस्तकबाल करते हैं कोटद्वार की
हसीन वादियों में और उम्मीद करते हैं आप दूसरा मैच भी देख कर ही जाएंगे और निश्चित तौर पर नगीना नजीबाबाद दुगट्टा लेंसडाउन से जो भी फुटबॉल प्रेमी इस मैच को देखने आए हैं उनका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं हम आपका। मैच का आनंद लीजिए आप। आज का दूसरा मैच भी है बनबसा और बीज रुड़की के बीच और दर्शकों को मालूम है कि ब्रेक का टाइम होने वाला। अच्छा किका है, सीधे गोल कीपर, थोड़ा सा अगर वहां पे होते तो इस तरह से पहले आपका खेल खत्म हुआ है ये बताते हुए ठीक 10 मिनट बाद दूसरा हाफ शुरू। उनसे भी गुजारिश रहे कि वो भी कम से कम कम्युनिकेट करें जो अन्य दर्शक के रूप में आए हैं। फिलहाल खेल शुरू होता हुआ 0-0 की बराबरी पर पहला हाफ खत्म हुआ था और अब ये दूसरे हाफ का खेल शुरू हुआ है तो देखने वाली बात है अब क्या बदली हुई रणनीति के साथ खेलती है टीम। फिलहाल तो गढ़वाल हीरोज ने पहले हाफ में अपना दबदबा बना के रखा था, लगातार हमले उन्होंने किए, जरूर गोल नहीं हुआ और अब देखते संजय चौधरी के लड़ाके हैं जो स्फूर्ति क्लब दिल्ली के खिलाड़ी वो किस तरह बदली हुई रणनीति के तहत खेलते हैं। निर्णय फिलहाल मैच अच्छा चल रहा है और दो नंबर की साइड लाइन के समानांतर थ्रो दिया था लेकिन एक बार फिर साइड लाइन से बाहर और एक बार फिर थ्रो इन मिलेगा, फिर वही खिलाड़ी आ रहे हैं डालने का प्रयास जा सकता है। आज बहुत खुशगवार मौसम है, खिली हुई धूप है, आवाज आप तक पहुंच रही होगी, थोड़ा सा वॉल्यूम कम किया है और गेम गोल लाइन से बाहर चली गई है। का पहला सेमीफाइनल आप देख रहे हैं शशि भटराज स्पोर्ट्स स्टेडियम में। सचिधर भट्टी को समर्पित है ये फुटबॉल टूर्नामेंट और सचिधर भट्टी के नाम पर ही है ये फुटबॉल का स्टेडियम और स्टेडियम और गेम पर नियंत्रण को लेकर जारी है और रेफरी ने इसे बहुत गंभीरता से लिया, जिस तरह से बाधा पहुंचाई जा रही थी स्फूर्ति क्लब दिल्ली के खिलाड़ी को आगे बढ़ेगा और बहुत बढ़िया ये किक आया घूमता हुआ लेकिन खिलाड़ी उसको ले नहीं पाए, एकदम चौकर नहीं थी और मुझे लगता है फ्लैग किक मिल सकता है, यहाँ पे फ्लैग किक मिलेगा और उन्होंने यही कहा होगा कि भाई गोल बचाना नहीं गोल करना है और गोल करने से ही मैच का परिणाम उनके पक्ष में रहेगा। अच्छा किक लिया था, डिफ्लेक्ट होने के बाद एक बार फिर ये रिवर्स किक के जरिए गेंद को पहुंचाने की कोशिश और अब जवाबी हमला काउंटर अटैक हुआ गढ़वाली हीरोज का। गढ़वाली हीरोज के खिलाड़ी सात नंबर की मैंने खाने में गेंद को सरकाया जरूर है लेकिन गेंद डिफ्लेक्ट होने के बाद पुनः उनके पास ही आ गई है और अब ये मुझे लगता है थोड़ा लंबा क्लियरेंस है और ये बदली हुई रणनीति मौका यहाँ पे बन सकता है, खतरा हो सकता है लेकिन बहुत शानदार तरीके से हेड के जरिए हेडर के जरिए गेंद को गोलकीपर तक पहुंचाया डिफेंडर। गेंद है गढ़वाल हीरोज के खिलाड़ी के पास, जवाबी हमले के लिए गढ़वाल हीरोज के टीम के खिलाड़ी सुमन सरकार तिरछा पास भी अपने साथी खिलाड़ी रोने के लिए लेकिन गेंद को ले नहीं पाए और गेंद अब आ रही है गढ़वाल हीरोज के हाथ में, गेंद को ले लिया वहां पर रक्षा पंक्ति खिलाड़ी काजू के पास गेंद है, काजू ने हल्का सा पास सरकाया है रोमी के लिए और रोमी एक बार फिर गेंद को बढ़ाना चाहते थे अपने साथी खिलाड़ी के लिए। अच्छा आक्रमण, काजू गेंद तक पहुंचते नहीं जी नहीं और इस बीच अपने मध्य श्री लक्ष्मी चंद रमोला जी अधिशासी अभियंता हमारे बीच अपनी गर्मा में उपस्थिति दर्ज कर हमारे पंडाल को आलोकित कर लगातार पिछले 3 वर्षों से आपका आर्थिक सहयोग और फील्ड निर्माण के लिए लगातार टैंकर की व्यवस्था आपके माध्यम से आयोजन समिति के लिए की जा रही है। मैं आयोजन समिति की ओर से तमाम फुटबॉल प्रेमियों की ओर से आपका हृदय की गहराइयों से आभार। अधिकारी का कमजोर की ज्यादा दिक्कत नहीं हुई गोलकीपर टोकस को इस गेंद को अपने नियंत्रण में लेने में। 500 रुपया श्री अनुज देवरानी जी जो खिलाड़ी पहला गोल करेगा उसके लिए और 200 रुपये श्री नरेश शर्मा जी अध्यक्ष जिला फार्मेसी संघ पौड़ी गढ़वाल श्री नरेश शर्मा जी। इस तरह से जो खिलाड़ी गोल मारेगा 700 रुपये का और स्फूर्ति क्लब के खिलाड़ी गोल मारते हैं तो वो 1700 रुपये का गोल होगा क्योंकि 1000 रुपया यश नेगी ने स्फूर्ति क्लब के टीम के खिलाड़ियों के लिए लगाए हैं और उस बीच गेंद को लेकर आगे बढ़ना जरूर चाहते हैं वहां पे जूझते हुए रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी एक बार फिर जवाबी हमले के लिए गढ़वाल आए हुए हैं। गढ़वाल विरोध की टीम पाइप लाइन से 2-3 खिलाड़ियों के बीच से गेंद को सरकारी अमन थापा के लिए, अमन थापा पूरी साइड ढूंढ रहे हैं, लगातार उनके शॉट्स जो है अक्सर डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, रक्षा पंक्ति के खिलाड़ियों से टकराते हैं। इस बीच नीरज भंडारी गेंद को निकाला अपने साथी दूर से बढ़िया इधर गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए अब गढ़वाल हीरोज के खिलाड़ी तिरछा पास देने का प्रयास, बीच में बहुत खूबसूरती के साथ इंटरसेप्ट किया वहां पर खिलाड़ी ने स्फूर्ति क्लब के अपने साथी खिलाड़ी के लिए बढ़ाए लेकिन मुस्तैद है हमेशा की तरह वहां पर सुमन सरकार
प्रतीक लामा रक्षा पंक्ति में खेल रहे हैं दो नंबर की जर्सी में और इस तरह के खिलाड़ी हैं कहीं भी खेल सकते हैं। प्रतीक लामा 11 नंबर की जर्सी में, सुमन सरकार बेहतरीन फॉरवर्ड, खासा प्रभावित किया अपने खेल से, और काजू गढ़वाल हीरोज के रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी, और अगर दानिश सत्यम की बात करें एक एक हैट्रिक इन्होंने लगाई है स्पोर्टिंग क्लब के खिलाड़ी, लेकिन आज गोल करने के मौके भी नहीं मिले और गोल नहीं कर पाई थी, जो पास निकालने का प्रयास दो खिलाड़ियों को खींचते मुस्तैद थे खिलाड़ी, थापा के पास है नैमन थापा, गेंद को बढ़ाया है एक बार फिर सुमन सरकार के लिए, 11 नंबर की जर्सी में सुमन सरकार, इनके अंदर काबिलियत है और ये काफी देर तक वो गेंद को नियंत्रण में, लंबा किक मध्य रेखा से काफी आगे अपने साथी खिलाड़ी को तलाशता हुआ मुस्तैद थे बंटी वहां पर, और एक बार फिर गेंद को निकाल लिया अमन थापा के लिए, लेकिन अमन थापा को बिल्कुल घेर कर रखा है वहां पर रक्षा पंक्ति के खिलाड़ियों ने, गेंद को अब ले लिया है, हालांकि अब गेंद आई है स्पोर्टिंग क्लब के खिलाड़ी के पास, मध्य रेखा को पार किया है राइट आउट की पोजीशन पर अपने साथी खिलाड़ी के लिए, गेंद को निकाला था उन्होंने लेकिन अब गेंद को ले लिया है वहां पर, एक बार फिर लंबा किक लगाकर गेंद को गढ़वाल हीरोज के हाथ में पहुंचाने में सफल रहे हैं स्पोर्टिंग क्लब के खिलाड़ी। नीरज भंडारी गेंद को लेकर आगे बढ़ना चाहते थे, वहां पर गेंद को ले लिया उनसे रजनीश, और अब जो मैच का दबाव है देखा जा सकता है दोनों टीम के खिलाड़ियों के ऊपर, चूंकि दूसरे हाफ का खेल चल रहा है, दूसरे हाफ में भी काफी खेल हो चुका है और दोनों टीमें अब गोल करने के लिए ज्यादा प्रयास कर रही है, ज्यादा एफर्ट्स लगा रही है और इसी कारण दबाव दोनों टीम के खिलाड़ियों के ऊपर देखा जा सकता है। अब जैसे मेरे साथी कमेंटेटर मेहरबान बता रहे थे, जो टीम निर्णायक समय में गोल कर पाएगी उसके लिए कहीं ना कहीं एडवांटेज की स्थिति होगी। एक बार फिर मुस्तैद है वहां पर अटोकस, और जो बॉडी लैंग्वेज है देखने लायक है, काफी कॉन्फिडेंट रहते हैं और लगातार अपने साथियों से बात करते हुए पूरी टीम को खिलाते हैं अटोकस, लंबा किक अपने साथी खिलाड़ी के लिए और लिया भी था बीच, अच्छा हेडर वहां पर लावत से अधिकारी के पास गेंद पहुंच रही है गढ़वाल राइफल के खिलाड़ी, अधिकारी देख रहे हैं कहां गेंद को पहुंचाना है, गेंद को पहुंचाए वहां पर अपने साथी खिलाड़ी रमनदीप के लिए, रमनदीप के पास गेंद है अभी भी, रमनदीप के पास देख रहे हैं कहां गेंद को पहुंचाना है, गेंद को ले लिया स्पोर्टिंग क्लब के खिलाड़ियों ने, एक बार फिर गेंद रमनदीप के पास पहुंच, गलत पास रमनदीप का, गेंद आई है सत्यम के पास, दो नंबर की जर्सी में सत्यम, इनके नाम हैट्रिक है टूर्नामेंट की, अपने पिछले मुकाबले में इन्होंने पेनल्टी बॉक्स के अंदर गेंद को पहुंचाया था, सेंटर किया था, लेकिन मुस्तैद थे खिलाड़ी, और अब खेल अपनी पूरी ऊंचाइयों को छूता हुआ, लगातार आक्रमण प्रत्याक्रमण का दौर जारी है दोनों टीमों की ओर से। मेहरबान सिंह अब चाय की व्यवस्था कर रहे हैं हमारे कमेंटेटर बॉक्स में, और गढ़वाल हीरोज की टीम में पीले रंग की जर्सी को बुलाया जा रहा है और एक खिलाड़ी अंदर आएंगे तो परिवर्तन से क्या लाभ होगा ये तो देखने वाली बात है। फिलहाल जो मैच की स्थिति है वो 0-0 की बराबरी पर है और आज तो मैच का रिजल्ट निकलना ही है, अगर निर्धारित समय तक नहीं होगा। बढ़िया मैच चल रहा है, 0-0 की बराबरी पर चल रहा है ये मैच और मैच में दोनों ही टीमों का इस हाफ में लगभग बराबरी का ही मैच चल रहा है और इस बार इस समय जो स्पूर्ति क्लब दिल्ली है उन्होंने भी कुछ कोशिश की है गोल की और पिछले हाफ में जब जर्सी पहने खिलाड़ी के पास गेंद है गढ़वाल हीरोज के, लेकिन जाने नहीं दूंगा वाली बात थी, डिफेंडर ने उनको आजादी नहीं दी किक लेने की और थ्रो इन मुझे लगता है यहाँ पे लिया जाना है। बढ़िया फुटबॉल खेली जा रही है, सिद्धार्थ रावत के पास बहुत सारी जानकारियां होती है फुटबॉल खिलाड़ियों के बारे में। जी हाँ बिरमान, उन्होंने कहा है अगर धीरज भंडारी डिसाइसिव गोल मारते हैं तो ट्रैक सूट दिया जाएगा मुकेश बिस्ट फुटबॉल क्लब की तरफ से, मुकेश बिस्ट की संस्था की ओर से, और इस बीच कॉर्नर मिला है बाएं पैर से घूमता हुआ किक हेडर के लिए उसने जरूर से गौरव, और पूरे की पूरी टीम मैं देख पा रहा हूँ गढ़वाल हीरोज की बिल्कुल स्पोर्टिंग क्लब के पाले में है, एक बार फिर घूमता हुआ किक और खूबसूरत डिफेंस, हालांकि गेंद एक बार फिर आ रही है वहां पर गढ़वाल हीरोज के खिलाड़ी के पास जूझते हुए वहां पर रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी स्पूर्ति क्लब के, और अब गेंद को लेकर आगे बढ़ना जरूर चाहते हैं बार। इस बीच थ्रो इन का इशारा और बहुत जल्दी थ्रो इन लिया गया गढ़वाल हीरोज की ओर से, अपने साथी खिलाड़ियों को ढूंढ रहे हैं फिर मुस्तैद वहां पर रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी स्पूर्ति क्लब के गेंद को खतरे के क्षेत्र से बाहर निकाला।
फुटबॉल को लेकर जितना जुनून है और बिल्कुल इस मैदान को बनाने में से लेकर तमाम जो व्यवस्था है उनमें बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन आपको पता पहले ये भी फुटबॉल खेलते थे और जब से इन्होंने अच्छे खिलाड़ियों को देखा तुरंत जी हाँ समय से पहले संन्यास ले लिया इन्होंने। अदरवाइज अभी 10-12 साल की फुटबॉल और बची थी इनके अंदर लेकिन पीछे गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए गढ़वाल हीरोज के खिलाड़ी बंदे रेखा को पार किया। अपने साथी खिलाड़ियों को ढूंढ रहे हैं वहां पर कहां गेंद को खिलाने काजू के लिए पढ़ाई थी और बीच में बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को ले लिया वहां पर रक्षा पंक्ति के खिलाड़ी ने। मेहुल है 5 नंबर की जर्सी में गिरे हैं वहां पर खिलाड़ी द्वारा थोड़ा दिक्कत है और दिखाया गया उन्हें खतरनाक खेल के लिए पेनाल्टी बॉक्स के अंदर मौजूद हैं और अगर इस तरह का कोई हेडर का मौका मिलता है या कोई मौका मिलता है उसे किस तरह से कन्वर्ट करते हैं ये देखने लायक होगा। लेकिन रक्षा पंक्ति भी उतनी मुस्तैद है गेंद को खतरे के क्षेत्र से बाहर निकाला हालांकि अभी भी गेंद एक बार फिर काजू के पास गेंद है काजू ने और खतरे के क्षेत्र से बाहर का इशारा की तैयारी में देख रहा हूँ कि लंबा थ्रोइन होना चाहिए। गौरव रावत हेडर के द्वारा गेंद को लेना चाहते थे वहां पर खिलाड़ी और कॉर्नर होगा टाइमिंग का इस्तेमाल करेंगे तो घूम के अंदर की ओर आएगा ये और हेडर दूर से भंडारी का अतिथि देवो भाव और रमोला जी का बहुत बड़ा सहयोग हमारे साथ है। लगातार टैंकर आपके द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं लगातार यहाँ पर आर्थिक सहयोग आपके द्वारा आयोजन समिति को उपलब्ध कराया जाता है इसके लिए हृदय की गहराइयों से आपका आभार। रोनी के पास गेंद रोनी अभी भी गेंद उनके पास गौरव के लिए गेंद को निकाला उन्होंने गौरव दो खिलाड़ियों के बीच से गेंद को लेकर आगे बढ़ना चाहते थे बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को ले लिया हालांकि राजू बड़े सही ढंग से गेंद को छोड़ा उन्होंने अपने अमन थापा के पास गेंद अमन थापा 10 नंबर की जर्सी में अभी भी जूझते हुए उनसे कई खिलाड़ी देख रहे अमन थापा गेंद को रिलीज किया उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी नबील के लिए गेंद गई है गोल लाइन के बाहर चलता रहता है फुटबॉल पे और जब गेंद गोल लाइन की ओर जाती है तो वहां पर जो दो खिलाड़ियों के बीच डिफेंडर और फॉरवर्ड के बीच जो कसमक होती है वो देखते ही बनती है और यहाँ पर भी सीधे पुश किया जानते थे यहाँ पर इतना चल जाएगा तो 12 नंबर ऊपर 29 नंबर और मुझे लगता है लगभग आखिरी क्षण चल रहे हैं इस दूसरे हाफ के और अब अगर गोल करती है कोई भी टीम तो निश्चित तौर पर वो निर्णायक हो सकता है क्योंकि समय बहुत कम बाकी है। अब गेंद जरूर है गढ़वाल हीरोज के हाफ में लेकिन गेंद पर नियंत्रण नहीं है उनका और अब थ्रोइन लेने आए हैं खिलाड़ी स्पूर्ति क्लब दिल्ली के खिलाड़ी थ्रोइन लेने के लिए और काफी तेज तरार फुटबॉल का मुजाहरा कर रही दोनों ही टीमें बिल्कुल निर्णायक क्षण चल रहे हैं मैच के और हालांकि मैच का तो परिणाम निकलना ही है अगर निर्धारित समय में गोल नहीं भी होता है तो भी समय दिया जाएगा और पेनल्टी शूट आउट का भी सहारा लिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल ये थ्रोइन अच्छा थ्रोइन काफी लंबा ऊंचा थ्रोइन लेकिन वहां पर डिफेंडर एकदम चौकन्ने थे काजू माचा ने गेंद को क्लियर किया अभी भी गेंद पर अच्छा मौका यहाँ पे बना सकते हैं इसी मौके को बस गोल में तब्दील करना चाहिए। अच्छा नियंत्रण और देखा नहीं उन्होंने कोशिश जरूर की थी हालांकि इतनी दूर से गोलकीपर को भेजना इतना आसान नहीं लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती ऐसा कहते हैं। फिलहाल मैच का जो समय है लगभग आखिरी चरण चल रहा है दूसरे हाफ का और जो दर्शक देर से आए हैं उनको बता दें 0-0 की बराबरी पर चल रहा है मैच दूसरे हाफ का खेल अपने आखिरी दौर में है और अब रेफरी की विसिल ये बता रही है कि निर्धारित 90 मिनट तक गोल नहीं हुआ है और अब अतिरिक्त समय दिया जाएगा अतिरिक्त समय जल्दी दे दे निर्णायक मंडल क्योंकि समय ज्यादा नहीं है और ये गोल मैंने अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी है और ये ऋषभ ने भी गोल करके इस स्पोर्टिंग क्लब की ओर से स्कोर 1-1 और इन्होंने गोल करके 2-1 बाहर मारेगा
बैटिंग और क्या अपनी टीम के लिए। और यहाँ पर बेहतरीन बॉल हिमांशु अधिकारी का बहुत ही नफा तुला। श्री लक्ष्मी चंद्र मोला जी देवभूमि यात्रा देखने के लिए आपका धन्यवाद।